युवराज रघुवंशी जी नमस्कार मैडम। आज हमारे सामने ये नंदुरबार के फार्मर्स है। मुझे लगता है पिछले साल से आपने ये सारा हमारा वसुमित्र का पिछले साल बहुत कम लिया था, इस साल ज्यादा है। हाँ, पपई के लिए खास करके इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि तकरीबन 30 एकड़ पर इन्होंने ये सारा हमारा बेसल डोज डाला है। तो आप बताइए कि बेसल डोज में क्या क्या डाला है। बेसल डोज में क्रोम, अल्ट्रासेल और यूमिफॉस, तीन बेसल डोज तीन बार लिया मैंने। तीन बार लिया। और उसके साथ केमिकल का भी डोज डाला है। केमिकल के सिर्फ दो ही लिए थे अलग, वो भी हाँ अलग। एक बार स्टार्ट में आपका लिया, फिर सेकंड टाइम केमिकल लिया, थर्ड टाइम आपका लिया, फोर्थ टाइम केमिकल लिया, और फिर अभी आखिरी आपका है। लेकिन जैसे जिस समय आपने ये डाला तो आपको ऐसा लगता है कि केमिकल का डोज कम हो गया? आधा कम हो गया। बिल्कुल। और उसका फायदा भी आपको मिल रहा है। कैसे, क्या क्या फायदा मिल रहा है आपको? जमीन थोड़ी नरम लग रही है मेरे को, ऐसा अभी फर्स्ट टाइम है। और रूट्स का ये रूट्स देखो, ये व्हाइट रूट्स बहुत अच्छी। और पत्तों की केमोपी, फल की साइज देखो आप। ओके, ये मेरे को वसुमित्रा यूज करने से, नहीं तो हर साल में 6 डोज रासायनिक कच के लेता हूँ। इस बार 2 डोज मेरे लेके दिसंबर महीने में लेके रख देता हूँ। अरे तो इस बार 2 डोज मेरे रखे हुए है गोडाउन के अंदर, वो 2 बज गए मेरे। वो जमीन की भी रक्षा हो गई उसी कारण। और जो पानी मेरे को 6 दिन में 7 एकड़ में लगता था, 5 दिन में 8 फीट के इतने बड़े इसके अंदर, तो वो पानी 3 दिन में पूरा हो जा रहा है मेरा। जल्दी पानी हो जा रहा है खेत का। और उसका जो ऐसा है ना, जल्दी और 4 दिन में 6 दिन में पानी लगता था, अभी 8 दिन 10 दिन मेरे को पानी भरने की जरूरत। हम बोलते हैं कि वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है ना, बढ़ गई। और ऐसा लगता है कि वाटर एब्सॉर्प्शन भी बढ़ गया, लेकिन ज्यादा देर तक ये पानी जमीन में ठहर रहा है, गीला रह रहा है। जैसे दूसरी जगह पे जहाँ यूज नहीं किया मैंने, वहाँ भी ट्राई किया आपका, तो वहाँ 4 दिन में ऐसा लग रहा है पानी भरा ही नहीं मैंने 5 दिन में, क्योंकि हमारा थोड़ा ड्राई एरिया है। तो और अभी यहाँ जहाँ मैंने आपका ये कंटेन यूज किया है पूरा बेसल डोज का, तो वहाँ पानी मेरे को ऐसा लगता है 6 दिन 7 दिन 8 दिन में भी ऐसा लग रहा है अभी 2 ही दिन में भरने के लिए। ये रियल फैक्ट है आपके सामने, इसको 5 दिन 6 दिन हो गए। ये देखो 6 दिन हो गए। हाँ ये देखो, इसके ऊपर मैडम अभी अपन चल के जाएंगे। हाँ ये देखो निशान है, पर ये ऊपर से गीला लग रहा है, चिकना नहीं। हाँ दूसरे इसमें क्या था, ये कड़क हो जाते था। इसको 5-6 दिन हो गया आज इसको भरने के लिए, फिर भी इतना गीला। फट्टी पड़ने मंटा था ना ये का इथा है ना। ये देखो ये इसमें भरा हुआ नहीं है, पिछले साल इसको इतने बड़े बड़े भेगाटे गिर जाते थे, तड़े गिर जाते थे, यानी अभी देखो आपके सामने प्रूफ है बिल्कुल सुधर गई जमीन। क्योंकि हर साल मैं पपीते की खेती 2010 से कर रहा हूँ, हर साल इसके अंदर इतने बड़े तड़े गिर जाते थे, तो पानी अगर इधर स्टार्ट किया तो उधर निकलते था, नहीं तो उधर निकलते था। अभी तो सामने तड़े नहीं इसके अंदर। ठीक है, फिर आपका वो फल के बारे में क्या है, पपाया का जो है फल? रिजल्ट आपके सामने मैडम देखो, मैं बोलूंगा उससे तो आप देखो वीडियो में दिखाओ। वो झाड़ी बता रहा है। मेरा तो हर किसान को बोलना है कि आप वसुमित्रा राहुल वाघ सर के पास से ट्रीटमेंट लो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं ये टाइम से तो 70% आपके इस पे चले जाऊंगा ऑर्गेनिक पे। केमिकल से जमीन बहुत खराब होती है, केमिकल से जमीन होती है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा ये है कि केमिकल के लिए सब्स्टिट्यूट ये वसुमित्र ने निकाला है। नहीं सही, फॉस्फेट डीएपी के लिए है, क्रोमा जो है वो पोटैश के लिए है, सिलिका जो है वो ऑर्गेनिक सिलिका फर्टिलाइजर है हमारा, तो ऐसा इसका असर होना ही होना है। मैडम मैंने लगाया था 18 अप्रैल को प्लांट लगाया हुआ है। ओके, मेरे को मई महीने में जो पहला डोज आपका मैंने यूज किया, तो 15 दिन में मेरे को ऐसा क्वालिटी पत्तों की केमोपी और ये दिखने लगा। बहुत तो फिर मैंने उसको जहाँ मैं 2 बार यूज करने वाला था, मैंने आपका 3 टाइम यूज किया, रासायनिक खत का मेरे 2 डोज बच गए इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये जो बहुत इतना, और आपकी भी मेहनत है इसमें, आप भी और दूसरी मेहनत है इतना ही नहीं है, लेकिन आप खुले आंखों से देख सकते हैं। मैं तो रिजल्ट देख रहा हूँ, मैं तो हर किसान को बोलूंगा नहीं 3 बार तो 1 बार यूज करो, अगले बरस आप खुद बोलोगे 3 बार मैं यूज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो टाइम दिया और इसका इस्तेमाल किया। आपने ये रासायनिक खत की जगह पे निकाला ऑर्गेनिक, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।